साथियों, मेरा नाम मदनलाल सैनी, गांव बालपुर, जिला सहारनपुर, चिलकाना रोड, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं पिछले 4 साल से लेमन ग्रास की जो है खेती करता रहा, और साथ में ज़िले में और भी बहुत सारे किसानों को हमने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के सानिध्य में अपना एक FPO बना रखा है, न्यू एग्री बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी। उसी के अंदर किसानों को हमने फ्री लेमन ग्रास लगवाया, और आज की बात करूं ज़िले में लगभग 1500 बीघे लेमन ग्रास और 15 टैंक जो है तेल निकालने लगे। इतना परचम यहाँ पर लहरा चुका है ज़िला सहारनपुर में, और अब FPO भी मेरे ख्याल से 7-8 बन चुके। FPO के अंतर्गत हमने किसानों को नई नई तकनीकी विधियाँ भी सिखाई और खेती की, परंतु जिसमें लेमन ग्रास का जो है मुख्य रोल किसानों को पसंद आया, इसलिए क्योंकि इसको एक बार लगा दिया और 5 साल तक ये फसल देगी लगातार कंटिन्यू, बार बार कटाई वाली फसल है, जैसे बाजरे की बार बार कटाई होती रहेगी और 5 साल तक ये चलता ही रहेगा। पहली बार लगाने से 6 महीने के बाद इसकी फसल तैयार हो जाएगी, और 6 महीने के बाद में जो फसल कटेगी उससे जो प्रॉफिट होगा किसान को, एक बीघे से बात करूँगा क्योंकि मैं किसान हूँ, हेक्टर में तो थोड़ा सा किसान ही सोचे कि पता नहीं क्या बता दिया। एक बीघे से मान के चले कि 10,000 रुपये बीघा पहले साल बचत होगी, अगले साल बचत होगी लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच, क्योंकि अगले साल का जो पौधा है वो मैच्योर होकर बहुत बड़ा झुंड हो जाएगा, इसलिए अगले साल इनकम जो है वो सेट हो जाएगी, और वो लगातार 20-30 हज़ार की जो इनकम है वो लगातार 5 साल चलेगी। इसके अलावा इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई निराई गुड़ाई नहीं है, निराई गुड़ाई के अलावा इसमें कोई खरपतवार नहीं होने देता। इसके अलावा जो हमारी मुख्य खर्चा था बांगा का, बांगा की इसमें ज़रूरत नहीं थी 5 साल तक, तो वो पैसा सारा किसान का बच रहा। इसके अलावा डाई यूरिया इसमें डल रहा, कोई स्प्रे नहीं हो रहा, तो एक ही चीज़ से 4 काम हो रहे, किसान का स्वास्थ्य ठीक, धरती को हम बचा रहे जहर डालने से तो ज़मीन भी जहर मुक्त, इसके अलावा पर्यावरण का जो नुकसान हम लोग करते आ रहे थे किसान लोग, कि जहर से कोई भी रसायन छिड़क दिया सारा वातावरण दूषित कर दिया, और उसी की वजह से लोग जो है बीमार, हर साल बढ़ती जा रही बीमारियाँ, वो भी उसमें सहयोगी है रसायन बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो है किसान को ये नहीं है कि खेत पर बांध कर बैठ दिया, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई इसमें गाय नहीं खाती, कोई जानवर नहीं खाता, कोई कीड़ा नहीं आता, ना ही कोई राह चलने वाला इसको तोड़ के घर ले जाएगा। एक ऐसी फसल इसको एक बार लगा दो और केवल 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 या 6 दिन का टाइम दे दो, 1 दिन पानी वानी देने का, 2-3 दिन इसकी कटाई को तेल निकालने के। ये ज़रूरी है कि जहाँ इसका प्लांट है इसकी खेती वहीं पर करी जा, ऐसा ना हो कि प्लांट तेल निकालने का 40 किलोमीटर दूर है और लेमन ग्रास हमने लगा दिया, ये ना होना चाहिए। ये तेल निकालने का प्लांट है लेमन ग्रास का, साथ ही इसके अंदर तेल जो निकलेगा अपना लेमन ग्रास के अंदर डाल करके नीचे इसमें पानी रहेगा 2 क्विंटल, फिर इसमें आग यहाँ पर जलाई जाएगी, फिर इसकी जो स्टीम है ऐसे ये इसमें होगी, यहाँ पर इसका कंडेंसर है जो इसको ठंडा करने के बाद में जो स्टीम है ठंडा करने के बाद में यहाँ पर निकलेगी आग, फिर रिसीवर में उसको ले करके अलग अलग कर दिया जाएगा, जो अर्क है उसको अलग, तेल को अलग। दूसरे जल भराव की जमीन ने ना हो जिसमें जल भरता हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जल भरने से मर जाएगा, सूख जाएगा, तो इसलिए किसान पर ध्यान रखे कि इसको जब भी लगावे ऊंचे खेत पर लगावे, और प्लांट तेल निकालने का आसपास कहीं ढूंढ ले पहले ही जान को तेल निकालना है। इसके अलावा किसान स्वस्थ कैसे रहेगा, धरती की पर्यावरण की बात तो हो ही गई, पानी भी बहुत कम लेगा, पानी की बचत करेगा, इसकी भी बात चलो होगी। अब किसान का स्वास्थ्य जो किसान के साथ साथ सभी का स्वास्थ्य लगभग 40% जो है कमाई सभी की डॉक्टरों को जाती रहे, तो उसकी बचत हम कैसे कर सकेंगे उस पर थोड़ी गौर मैं ज़्यादा करूँगा। लेमन ग्रास का तेल एक तेल ही न समझे, इसको संजीवनी समझें, क्योंकि सर से लेकर नाखून तक ये पूरा
पूरी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। जैसे किसी का सिर में दर्द है तो उसकी दो बूंद सिर में लगा ले और 5 मिनट में ठीक हो गया। दांत में दर्द है, दांत पर 2 बूंद लगा ले, 3 से 4 मिनट में ठीक होगा। गले में खराश खांसी या कुछ भी दिक्कत है, इसकी गर्म पानी में 2 या 3 बूंद डाल के पी लो और लगभग जो है आधे घंटे में उसको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा पेट में दर्द किसी भी तरह का है, चाहे पथरी का दर्द है, चाहे वायु का दर्द है, चाहे हार्ट अटैक का दर्द है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में 50% से ज़्यादा ठीक हो जाएगा। पथरी का तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और इसके बाद में पथरी का दर्द होगा भी नहीं, यह भी इसकी विद्यमान है गुण इसमें। इसके अलावा किसी का मोटापा कम करना है, वजन कम करना, तो रेगुलर इसको सुबह शाम 3-3 बूंद लेते रहे गर्म पानी में खाली पेट, तो उनको लगेगा कि एक हफ्ते में मैं ढीला वजन ढीला हो गया। इसके अलावा उसके जो 1.5 से 2.5 किलो वजन हर महीने घटते घटते 6 महीने में लगभग जो है 20-25 किलो वजन घट जाएगा, तो ये भी आसान तरीका है। अब कोई कहे कि जोड़ों का दर्द है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, ग्रीस ख़त्म हो गया, ये हो गया, इसी तेल की वजह से उसका जो पैसा है किसी किसान का मान लो या आम आदमी का मान लो, वो डॉक्टरों को न जाके 500-1000 रुपये के तेल से वो ठीक हो जाएगा। ये लगभग 1.25 लाख लोगों तक हमने प्रोडक्ट को आजमा भी लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने आज अंदाजे से कह दिया, ऐसा कोई नहीं है। इसके अलावा किसी को खाज खुजली हो रहा, गोले के तेल में इसको मिला करके लगा दो, 3 मिनट में खाज बंद, 1 हफ्ता लगा दो परमानेंटली खाज बंद, तो इससे बढ़िया औषधि साध्य। वैसे तो मुझे बहुत दिन हो गए मेडिसिन खेती करते हैं, परंतु इससे बड़ा औपचारिक खेती मैं नहीं समझता कि कोई होगी, तो इसलिए सभी भाई ऐसी खेती की तरफ चलें जिससे पर्यावरण भी ठीक हो, मानव स्वास्थ्य भी सुधरे और ज़मीन भी हमारी ठीक रहे और पानी की बचत भी हो।